SRH वर्सेस KXIP। लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट की बात करें दोस्तों तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 13वें सीजन में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच ये धमाकेदार मैच खेला जाना है। दोनों ही टीमों की हालत पॉइंट टेबल में काफी खस्ता है। सनराइजर्स हैदराबाद 4 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर जबकि किंग्स इलेवन पंजाब 2 पॉइंट के साथ सबसे नीचे टेबल में है। KL राहुल की कप्तानी में किंग्स इलेवन पंजाब टीम को पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 विकेट से हराया था। वहीं डेविड वॉर्नर की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 34 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। यानी कि दोस्तों दोनों ही टीमों ने पिछले मैच में हार का सामना किया था और इसीलिए ये दोनों ही टीमें चाहेगी कि ये मैच को अपनी जीत के खाते में ले जाए, राइट। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग और रोमांचक मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि इस मैच के साथ वो विनिंग ट्रैक पर वापसी करे यानी कि वापस जीत के रास्ते पे आगे बढ़े, राइट। और ऐसे में भुवनेश्वर कुमार के चोट के चलते IPL के मौजूदा सीजन से वो बाहर ही हो चुके हैं और ऐसे में टीम की गेंदबाजी कुछ कमजोर जरूर नजर आ रही है। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब का सिरदर्द भी उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट ही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि IPL 2020 लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब के बीच IPL 2020 का 22वां मैच आज गुरुवार को ठीक 8 अक्टूबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। मैच भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा और 7 बजे इसका टॉस भी हो जाएगा। वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कि सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब में इन दोनों ही टीमों में आपकी सबसे फेवरेट पसंदीदा टीम कौन सी है, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। और अगर आप इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं ना तो इस मैच का लाइव टेलीकास्ट आपको स्टार स्पोर्ट्स के किसी भी नेटवर्क चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। वहीं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर भी आप इस मैच की लाइव टेलीकास्ट देख पाओगे। इन दोनों टीमों के बीच कुल 14 मैच खेले गए हैं जिसमें किंग्स इलेवन पंजाब ने 4 और सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 मैच जीते हैं। पिछले साल इन दोनों टीमों के बीच 2 मैच खेले गए थे जिसमें से दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता था। 2014 सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 2 बार हराया था। इसके बाद 2015, 16 और 17 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 2-2 मैच खेले और सभी जीते थे। 2018 और साल 2019 में सीजन में दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 4-4 मैच खेले जिसमें 2 जीते और 2 हारे थे यानी कि बराबर थे। पिछले सालों का कुछ रेशियो लगभग बराबर चला इसलिए मैच को दोनों ही टीमें जीत की राह पर ले जाने की कोशिश करेगी। और ऐसे में दोस्तों ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीत का खाता खोलती है। आप मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको पल पल के लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट्स और हाइलाइट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।